क्या क्या खा रहे हो जी? चाय 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 चाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल जहां नमस्ते जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हो? आप सब भाई को आप सभी बहुत ही अच्छे और हम भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए मिरोनी डे, मिरोनी डे, मिरोनी डे। यहाँ पर मैं नई रील्स बना पाऊंगी आज, क्योंकि मेरा बेटा ना ड्रामा कर रहा है, नहीं नहीं रुकना ही नहीं है, रुकना ही है, सच में बहुत धूप है मैं इसलिए नहीं रुक रहा है। लेकिन आज है मेरे बाबूजी का बर्थडे और बहुत सारा विश कीजिएगा। आई होप आप सब कर देंगे, आई होप आप सब बहुत सारा विश करेंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ कर दीजिएगा। मेरे सुपर हीरो हैं, मेरी हैप्पीनेस है, मेरी सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ से भी ऊपर है। तो उनके लिए प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा निरोग रहें और हमेशा बहुत अच्छे। तो अभी चलते हैं उनको सरप्राइज़ देने को, उनको नहीं पता कि हम आ रहे हैं। हम सुबह से निकल गए, नाश्ता वास्ता करके आपको बताई भी हूँ, यहाँ बाहर में किया है हमने, कोई सारी होगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत यहाँ पर हवा चल रही है, बाइक चलते चलते मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा और आज बहुत मज़ा आने वाला है, सेलिब्रेट करेंगे बच्चों की तरह, जैसे भी जो भी, तो आई होप आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर ना मैं गिफ्ट ले रही थी पेंट शर्ट, उनको साथ पसंद आ जाए, लेकिन वो आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने से ले ही लेती हूँ। अरे एक बार वो पहन ले यही बड़ी बात। बहुत भूख लग रही थी फ्रेंड, जैसे ही घर पहुँचे वैसे ही खाना ऑलरेडी बन चुका था, हमने तुरंत ही खाया और बहुत टाइम तक रेस्ट किया। इतने धूप में आए थे ना कि ऐसे लग रहा था जैसे हमारे हाथ पांव जल चुके हैं, बहुत धूप। फ्रेंड्स अगर आप भी जैसे धूप में बाहर निकलते हैं ना तो मत निकलिए, बहुत नुकसानदायक है भैया। फ्रेंड्स घर पहुंच चुके हैं और घर आके खा के खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत थोड़ी देर नहीं, लगभग 2-3 घंटे से मैं रेस्ट कर रही हूँ। उसमें क्या है, सब्जी है क्या? तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर पर और मुझे थोड़ा सा जुकाम जुकाम सा फील हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली थी इतने लंबा सफ़र के लिए और अलग अलग जगह का खाना पीना सब हो रहा है, इसलिए तो गर्मी दिन का सर्दी है यू ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी होगा वो तो बाद में होगा, नाइट में बाबूजी का केक कट करेंगे और कुछ कुछ करेंगे, जो भी करेंगे आप सबको शो करेंगे, आप सबको शेयर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने बाड़ी में अपने कोला में क्या क्या चीज़ें लगी है वो सब चीज़ें आप सबको शेयर करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। तो आई होप आप सभी को मज़ा आएगा और आप सब एंजॉय करेंगे, वीडियो पे स्टे रहेंगे। और चाची चाची कितना दिन बाद मिले हैं, कितना दिन बाद फिर भी बताओ ना चाची, इस लड़के को पता है कपड़ा पहनने में क्या प्रॉब्लम है, पहनता ही नहीं है। यहाँ पर मैं और मेरे बाबूजी और ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दादाजी होते हैं, ये भी हमारे साथ आम छील रहे थे। ये देखिए हमारे नाना जी ला के दिए हुए हैं और ये कच्चा आम है कैरी, और इसी को हम छील रहे थे ताकि इसको सुखा सकें या फिर इसके अचार भी बना सकते हैं, लेकिन अचारों अचार नहीं बनाते, ऐसे ही पड़ा है तो चलो छील के सुखा दिया। और सेल होता है ये, जो भी होगा वो, लेकिन होते तक पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि तब तक ख़राब भी हो जाती है हमारे घर पर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, और हो गई है शाम और हम चलते हैं अभी केक कटिंग के लिए, बाबूजी हमारे आ रहे हैं और सबको बोल रही हूँ, सबको पीछे ला रही हूँ, बार बार आजा आजा, सबको ही सुनने का नाम नहीं ले रहा है, धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं और अभी भी कोई कोई यहाँ पे आए नहीं है इसलिए। ओके फ्रेंड्स, देख के हंसिएगा मत, और हंसने वाली कोई बात ही नहीं है, है ना। और हमारे बाबूजी जो है बर्थडे वर्थडे बिल्कुल भी सेलिब्रेट करना नहीं चाहते रहते हैं, और उनको ये सब पसंद ही नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने के लोग ये सब चीज़ें नहीं मनाते थे, आप जान रहे हो। और हमारे बाबूजी ना पूरे वेज है, प्योर वेजिटेरियन है, तो उनको लगता है कि सारे केक में एग लगे होते हैं। ओह माय गॉड, सर्दी जुकाम हो ही गया मुझको, तो उनको लगता है सारे केक में एग लगे होते हैं, इसलिए वो खाते ही नहीं है केक, बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो हमें भी मना करते हैं कि केक मत खाया करो, सब में एग लगे होते हैं, लेकिन हम दिखावे के चक्कर में, और दिखावे के चक्कर में बोल सकते हो, सबका देखा सुखा हम भी बर्थडे केक काट करके ही सेलिब्रेट करते हैं शाम को, और सब करते हैं तो हम भी कर लेते हैं ऐसा सोचकर, और ये तो जान रहे हो आजकल सभी कर रहे हैं, इसलिए मैं आई हूँ तो ये सब हो रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं होता, ये लोग नहीं लाते। उसके बाद खाना वाना खाएंगे, कुछ स्पेशल नहीं बनाया, डेली जैसे कि डेली की तरह ही खाना बनाएं। इतनी गर्मी में हमारे घर में ना बहुत सारी चीज़ों को परहेज करते हैं, जैसे ऑयली ऑयली खाने पीने को, बहुत सारी चीज़ों को, तो हमने ना जानबूझ के कुछ बनाया नहीं, और जो भी बनता है नाश्ते में बनता है सुबह, तो सुबह ही हम लोग बनाए, और जो भी खाते हैं खाते हैं, शाम को सिर्फ और सिर्फ दाल चावल सब्जी यही है डेली का।
बाबू जी को गिफ्ट थी, वो जो पेंट शर्ट पहने के केक कट करेंगी ना वो मैंने दिया हुआ है, तो वो कैसे लगा आप सबको भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं ले ली। तो वो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, तड़क बड़क चटक मटक ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते, तो फिर भी मैं लेकर आती हूँ उनके लिए और वो पहनते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे लगा बताइएगा कमेंट में। और हाँ, इन तो बने रहिएगा, अब इस तो बिल्कुल ही सबको करना है, तो प्लीज़ बहुत सारे गुड विशेज दीजिएगा मेरे बाबू जी को। बेटा वो जा भाई, नहीं जा, मैं मना नहीं कर रहा, जाओ करो में लगा जा। ओके, इसके हालात देखो कैसे हो गया है। अब चलते हैं खाना खाने, आवर भात खा खावर, जल्दी जल्दी आवर। चलो अब हम सोने वाले हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अभी तो आप सबको सही से दिख नहीं रहे होगा, अंधेरा है, हम छत पर है सबके सब। और ओके देखो जमीन में, और जमीन में जब सो रहे हैं ना तो आज हमें याद आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो सब कैसे सो रहे हैं, हाँ अभी दिख रहा है, देखिए ये सब बिछा हुआ, नीचे में चटाई है, उसके ऊपर में ये छोटा मोटा गद्दा है, उसके ऊपर में कतरी है, और फिर हो गया मेरे भाई। ए जल्दी मुड़े छोड़ा रहे, सब अपने अपने फोन में लगे हैं अभी, मेरे पास उसके बाद अब मेरे भाई के पास नहीं है। ये बोल रही है मुझे भी एक बार और दिखा दो, साइन कर रहा है भाई, देखना भाई जोरदार साइन मार रहा है, निशा मेहंदी के प्रमोशन कर। ओके फ्रेंड्स, ओके सुबह मिलते हैं आप सबको।